नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका स्वागत है। हम अब तक ये जान चुके हैं कि स्प्राउट्स हमें ग्रो कैसे करने हैं, और अब हमें आगे का प्रोसेस देखना है कि हमें स्प्राउट्स को डिशेस में कैसे यूज़ करना है। जब भी हम किसी डिश के अंदर कच्चे स्प्राउट यूज़ करते हैं तो उनका टेस्ट हमें इतना यमी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें स्प्राउट्स को थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, ताकि जब हम इसे खाएँ तो ये टेस्टी लगे खाने में। तो इसके लिए हमें इसकी एक विसिल लेनी होगी कुकर के अंदर, और इसके लिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाटर ऐड कर चुकी हूँ, इतना कि ये बस इसमें स्टीम क्रिएट हो जाए बस। और गैस ऑन करके हम इसकी 1 विसिल लेंगे, और पैन ऑफ कर गैस ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे, तो ये तैयार हो जाएंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, ये आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अगर आप इसे किसी स्वीट डिश के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें नमक ऐड ना करें, और अगर आप स्वीट डिश में ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे नमक वाली रेसिपीज़ में डालना चाह रहे हैं, तो इसमें नमक ऐड करके ही इसे बॉईल करें। पिंच ऑफ हींग हम इसमें अप्लाई करेंगे, ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा सुंदर दिखे। इस तरह से इसे मिक्स करके, और अब हम इसको बंद कर देंगे और इसकी 1 विसिल आने देंगे। इसमें 1 विसिल लग गई है, अब हम इसको ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये कंप्लीट जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम कुकर खोलेंगे, हमें इतना ही इसको स्टीम कुक करना है। तो चलिए वेट करते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम खिले हुए हैं, पानी इसमें नहीं है ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैश हो जाएंगे, ये थोड़े से अभी भी क्रिस्पी हैं खाने के अंदर, और यही हम आगे की डिशेस में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बनने वाले डिशेस मैं आपको अगले मेरे रेसिपी में बताऊँगी और बताती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।